नमस्ते दोस्तों, हम लोग बात करेंगे प्रोग ऐतिहासिक काल की। मानव का जन्म स्थल कहाँ पे है, ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जो मानव के जन्म स्थली का गवाह बना है। तो अफ्रीका पहला कंटिनेंट है जहाँ पे मानव का उत्पत्ति हुई, अर्थात मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। वहां से ये विभिन्न कंटिनेंट में गए, जैसे कि एशिया में, फिर यूरोप में। तो एक मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा माइग्रेशन का केंद्र बना वर्ल्ड में आदि मानव के लिए। ये जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, ये मानव की उत्पत्ति का स्थल केंद्र रहा। यहाँ पे है आपका ओरलोबोई घाटी। कहाँ पे है, किस कंट्री में बोलेंगे, तंजानिया में है। तो तंजानिया की ओरलोबोई घाटी में सर्वप्रथम मानव के अवशेष मिले हैं। जो मानव के अवशेष थे उसका नाम था ऑस्ट्रोलिथिकस। आपको बोलना है मानव की प्रजाति ऑस्ट्रोपिथिकस। ऑस्ट्रो मतलब है दक्षिण, साउथ, और पिथिकस का मतलब है बानर। तो सर्वप्रथम मानव की प्रजाति ऑस्ट्रोपिथिकस तंजानिया के ओल्डुवाई घाटी में प्राप्त हुई है। इसके बाद ये क्या था, ऑस्ट्रोपिथिकस एक लंबे समय के बाद मृत हुआ, उसके जगह पे होमो हैबिलिस आया। ये होमो हैबिलिस का जो क्षेत्र था पुनः, ये पूर्वी इलाका अफ्रीका का, जिसमें इथोपिया, तंजानिया, केन्या वाला इलाका आता है। यहाँ से ये क्या था, एशिया के जरिए आगे बढ़े और एशिया में जो मानव की एक नई प्रजाति आई उसका नाम था होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस थे, तन के खड़े हो सकते थे और दूर तक देख सकते थे। पुनः जो यूरोप में आपका माइग्रेशन हुआ हुआ था जर्मनी में, याद रखिए जर्मनी में होमो नियंडर थिलिस। तो नियंडर थिलिस जो है, होमो नियंडर थिलिस, ये जर्मनी में एक घाटी है, नदी घाटी, जहां पे मानव का उद्भव हुआ यूरोप में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ऑस्ट्रोपिथिकस से होमो हैबिलिस, पुनः होमो इरेक्टस, और जर्मनी यूरोप में होमो नियंडरथल, और आधुनिक मानव जो 36,000 वर्ष में बना उसका नाम था होमो स्पेनिस या सेपियंस। इस प्रकार मानव ने क्या है, अपना एक लंबा जीवन काल, और इस जीवन काल में इसके काफी सारे जो शारीरिकी बनावट है, ढांचा है, जैसे जबड़े, दांत, कपाल, तंत्रिका तंत्र और शरीर पे बाल, रोएं, हड्डियों की बनावट, सारे के सारे आकृति में इनका परिवर्तन आया। ये परिवर्तन का कारण क्या था, तो बोलेंगे प्राकृतिक। जो प्राकृतिक है उसमें एक म्यूटेशन की क्रिया चलती है, अर्थात जीन में क्या है, म्यूटेट होते रहते हैं और नए नए लक्षण बनते रहते हैं, और जो पुराने लक्षण रहते हैं अगर उपयोगी है तो विकसित होते हैं, अन्यथा वो समाप्त हो जाते हैं। जो आपका डार्विन का जीववाद सिद्धांत था, और उसके बाद हुगो डीब्रिज का जीन का कंसेप्ट था कि कैसे म्यूटेशन होते हैं। तो मानव का जो है 24 करोड़ से लेके और 36,000 वर्ष तक, आज का जो आधुनिक मानव है, स्मार्ट मानव, 24 करोड़ से लेके 36,000 वर्ष ईसा पूर्व तक एक लंबा सफर तय किया। इस दौरान इसके सारे के सारे आकृति, ढांचा, स्वरूप, रंग रूप में बदलाव आया, और ये आपका माइग्रेशन का एक खाका था कि किस तरीके से माइग्रेट हुए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपका इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्टेट है जो मानव की जन्म स्थली का केंद्र बना। तो मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा। सर्वप्रथम है मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में स्थित होशंगाबाद जिला, जो आपका मानव की उत्पत्ति का केंद्र, अर्थात वर्ल्ड मैप पे भारत भी ऐसे स्थानों में शामिल हो गया जहां पे मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं।
ये आपका मध्य प्रदेश वाला इलाका जो है नर्मदा की घाटी, यहाँ पे सर्वप्रथम जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं मानव के, उसका नाम दिया गया लकी। ठीक है, इसके साथ साथ आखिर किस क्षेत्र में जो आदि मानव थे मिलते थे, उनका वास स्थान होता था। जो आदि मानव थे क्योंकि स्टोन एज में रह रहे थे, तो पाषाण ये पत्थरों पे पूरी तरीके से निर्भर थे, तो जहां भी पत्थर पहाड़ चट्टान थे वो इलाका इनका वास वाला स्थान था। और ये क्या थे, गुफा में वास करते थे, तो समतल मैदान में ये बिल्कुल वास नहीं करते थे और पहाड़ पर्वत पठारों में वास करते थे। तो हम देखेंगे कुछ, ये पाकिस्तान है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये बलूचिस्तान का इलाका, बलूचिस्तान बोलेंगे, पेशावर, पुना यहाँ पे स्वात घाटी, इसके बाद बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे क्या है आपका, राजस्थान में बनास की घाटी, याद करिए बनास की घाटी, राजस्थान में पुनः चंबल घाटी, यहाँ पे है आपका सोन नदी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार वाले इलाके में, तो सोन नदी की घाटी, सोन की एक सहायक नदी है बेलन नदी, बेलन नदी की घाटी जो एमपी सॉरी यूपी में है, बेलन घाटी, पुनः बिहार का एक मुंगेर वाला इलाका है, क्योंकि मुंगेर जो है आपका छोटा नागपुर के पठार का एक हिस्सा है, तो मुंगेर में पसेरा नामक जगह था जहां पे हमारे आदि मानव रहते थे। पुनः तुंगभद्रा की घाटी दक्षिण में कर्नाटक में, तुंगभद्रा, और इसके साथ में आपका शिवालिक का बेल्ट, ये जो है शिवालिक श्रेणी जो हिमालय का दक्षिणी वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं शिवालिक पर्वत माउंटेन, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख वाला इलाका आता है और साथ साथ में सिक्किम, तो ये वाले बेल्ट में है। और जम्मू कश्मीर में दो साइड याद रखिए, बुर्ज होम पुना गुपकराल, जम्मू कश्मीर में बुर्ज ओम गुफकराल, और यूपी में बेलन की घाटी, बिहार में मुंगेर पसेरा क्षेत्र, सोन की घाटी मध्य प्रदेश वाला इलाका, नर्मदा की घाटी बोलेंगे लकी, सर्वप्रथम मानव कंकाल है, पुनः बनास की घाटी, चंबल की घाटी, ये दोनों आपका गुजरात में है, बलूचिस्तान वाला इलाका, पेशावर, स्वात की घाटी और तुंगभद्रा, पुनः एक है आपका तमिलनाडु वाला कोस्टल इलाका, तमिलनाडु तट इलाका। तो इस प्रकार से ये क्या है आपके आदि मानव के क्षेत्र हैं भारत के अंदर। इसमें आप देखेंगे जो गंगा का प्लेन है, ये जो गंगा का प्लेन है भारत में, जिसमें यूपी बिहार का एक बड़ा हिस्सा और जो है आपका बांग्लादेश आते हैं, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मानव के अवशेष, आदि मानव के अवशेष प्राप्त नहीं होते क्योंकि ये समतल वाला इलाका है, तो जो हमारे आदि मानव रहते थे वो पूरी तरीके से पत्थरों पर निर्भर थे, क्योंकि इनके औजार उपकरण जो थे पाषाण वाले थे, और ये गंगा की घाटी जो है प्लेन इलाका है, इसलिए यहाँ पे अवशेष नहीं मिलते। तो शेष भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें आपका नेपाल भी है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है और फिर आपका भारत है, तो यहाँ पे मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि लाइफ स्टाइल इनका कैसा था, कल्चर कैसा था, क्या भाषा थी या नहीं थी, क्या इनके परिवार थे कि नहीं थे, तो कुछ इस बारे में हम लोग बात कर ले बेसिक। भारत में जो मानव है वो 2 लाख से लेके 10 हजार तक, अर्थात मानव में मैं आदि मानव का बात कर रहा हूँ, अभी अभी नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल का बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तो 2 लाख से लेके 10 हजार ईसा वर्ष पूर्व तक, BC तक जो मानव थे, आदि मानव, वो भारत में इनकी कल्चर किस तरीके से थी और लाइफ स्टाइल कैसा था, तो बोलेंगे पाषाण, पत्थरों के औजार, पत्थरों के औजारों का प्रयोग, फिर बोलेंगे खाना बदोश, लाइफ स्टाइल,
फूड गैदरिंग मतलब फूड क्या था जिसमें जड़ कंद मूल बैर इसका इकट्ठा संग्रहण करना, जड़ कंद मूल बैर जो थे इकट्ठा करते थे। फिर हंटिंग ये है आपका हंटिंग शिकार करना, ठीक है। तो इसी पर निर्भर थे ये पूरी तरीके से। भाषा क्या थी इनकी, तो मानव का भाषा क्या है, पहले साउंड आया होगा ध्वनि, पहले हल्की साउंड होगी, उसके बाद क्या थी साउंड मजबूत होगी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग साउंड। ये साउंड क्या होगा आपका आवाज में बदलाव होगा, टिप साउंड हुए होंगे पुनः आवाज जो था आपका एक ध्वनि में हो गया, मतलब भाषा में बदली। और ये भी हो सकता है ये अपने क्या थे हाव भाव का इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन करने के लिए क्या थे अपने शारीरिक हाव भाव बनावट का इस्तेमाल करते थे, जैसे हाथ हिलाना मुंडी हिलाना सर हिलाना है ना,